हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज आखरी बंशी। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थ्योरी जो है वो दी थी मैक्सवेल ने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, वो रेडिएशन जो भी होता है वो इन फॉर्म ऑफ वेव्स होता है। मतलब रेडिएशन जो भी होगा वो एनर्जी के रूप में होगा। एनर्जी किसके रूप में होती है? वेव्स के फॉर्म में होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब दो टर्म है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ओसिलेशन होगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं और दोनों ओसिलेट हो रहे हैं, और इन दोनों के कारण इनके परपेंडिकुलर में मोशन ऑफ वेव होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। जैसे मैं साउंड वेव की बात करूं, साउंड वेव को किसी भी मीडियम में किसी भी जगह ट्रेवल करने के लिए उसको एक मीडियम चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। लाइट जो है वो एक टाइप की वेव है। तो वेव के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए अपन कुछ टर्म्स देखेंगे यहाँ पे। तो पहले अपन इस ग्राफ पे नज़र डालते हैं। ग्राफ में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं। इसको ऐसे मानो एक्स वाई जेड है। एक्स ये हो गई डायरेक्शन, वाई ये हो गई और जेड ये हो गई। तो वाई और जेड परपेंडिकुलर हैं तीनों, एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर हैं। तो ये वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओसिलेशन हो रहा है इस तरफ। ये वाला जो है ये फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है येलो कलर से। तो दोनों का ओसिलेशन होगा और रिजल्टेंट जो आएगा वेव का प्रोपोगेशन होगा। तो अब जो वाइब्रेशन की बात करते हैं, तो वाइब्रेशन होते हैं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो वाइब्रेशन आते हैं साइन वेव की फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं अपन क्रिस्ट। जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं अपन क्रिस्ट, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रफ। इसको बोलते हैं ट्रफ, क्रिस्ट एंड ट्रफ। जो वेवलेंथ होती है, अब जो करेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हम, सबसे पहला होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? या तो हाइट ऑफ क्रिस्ट या फिर डेप्थ ऑफ क्रिस्ट, डेप्थ ऑफ ट्रफ। तो यानी कि क्रिस्ट ले लो या ट्रफ ले लो, दोनों में किसी भी एक को चूज कर लो, एम्पलीट्यूड अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। वेवलेंथ क्या होती है? टू कंटिन्यू क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस, और या फिर टू कंटिन्यू ट्रब के बीच की डिस्टेंस, वो होती है वेवलेंथ। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ये हो गया, वेवलेंथ ये होगी। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन देखते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होगा? हाइट ऑफ द क्रिस्ट और ट्रब ऑफ द वेव। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ वेव्स, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। इसको अपन डिनोट करते हैं न्यू से, न्यू से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, या फिर एफ से भी डिनोट करते हैं। फिर है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हो गया? एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, मतलब एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में वेव को कितना टाइम लगा, वो क्या होगा? टाइम पीरियड। जैसे ये ग्राफ था अपना, जैसे ये ग्राफ था ऐसा। अब ये एक टाइम पीरियड है, मतलब ये एक वाइब्रेशन हो गया पूरा कंप्लीट। ये इधर वाइब्रेशन था और इधर मोशन था, तो ये पूरा एक ये टाइम था इधर। तो इन दोनों के ये क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में लगा गया टाइम, तो ये हो गया टाइम पीरियड। इसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड, और इसको डिनोट करते हैं अपन टी से, टाइम पीरियड को।
नेक्स्ट जो है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव इन 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जैसे ये वेव है, 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो क्या होगी उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को वी से लिख देते हैं अपन, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डी बाई टाइम टी। तो ये हो गया वेलोसिटी। तो वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वेव होती है उनकी जो स्पीड होती है सेम एज ए लाइट, मतलब इसको स्पीड ऑफ लाइट ही बोलते हैं। तो ये जगह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ की बात कर लेता हूँ, वेवलेंथ क्या होती है? ये अपनी वाइब्रेशंस और टाइम के बीच का ग्राफ था। तो इसमें जो है ये क्रिस्ट है और ये है ट्रफ। तो दो कंटिन्यू क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो कंटिन्यू ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? वेवलेंथ। इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻¹⁰ मीटर। वेव नंबर, वेव नंबर को अपन वी बार से डिनोट करते हैं। वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, यानी वेवलेंथ एक मीटर लेंथ में कितनी वेवलेंथ है। तो इसकी यूनिट हो गई मीटर इनवर्स। अब रिलेशन देख लेते हैं अपन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के। तो सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो सी स्पीड ऑफ लाइट बराबर होता है फ्रीक्वेंसी न्यू इंटू लैम्डा। तो सी क्या हो गई? स्पीड ऑफ लाइट। वी ये न्यू क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है जिसकी यूनिट होती है हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ जिसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। और स्पीड ऑफ लाइट है मीटर पर सेकेंड में होती है। तो ये सारा हो गया अपना रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, दोनों का ऑसिलेशन होगा तो वेव जनरेट होगी। तो उस वेव का स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम बेसिकली होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्म में उसको अरेंज करना वेव को, तो वेव की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग उसकी वेवलेंथ होती है। तो उस ऑर्डर में उसको अरेंज करना ये क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है। तो सबसे पहले आती है गामा रेज। गामा रेज के बारे में उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। उसके बाद होता है एक्सरेज, फिर होता है अल्ट्रावायलेट, फिर होता है विजिबल लाइट। ये जो है विजिबल लाइट इसमें आता है विबग्योर, विबग्योर ये सारे कलर आते हैं इसके अंदर विबग्योर विजिबल लाइट के अंदर। फिर आता है इंफ्रारेड, फिर रडार, फिर एफएम, फिर टीवी, फिर शॉर्ट वेव एंड एएम वेव। तो ये सारी जो वेव का है ये स्पेक्ट्रम है, मतलब इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इस तरफ वेवलेंथ इनकी इंक्रीज हो रही है और इनकी फ्रीक्वेंसी इधर डिक्रीज हो रही है। तो इसको बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसको अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो विजिबल लाइट होती है उसमें क्या होते हैं? विबग्योर होते हैं, और उसकी जो रेंज होती है वेवलेंथ की होती है 382-760 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बताया कि गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, इंफ्रा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सारा इनका ऑर्डर हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो इसकी जो थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का मेन पॉइंट्स क्या है? कोई भी सोर्स होगा, मतलब रोड होगी, मान लो हीटेड, ये रोड है, इसको हीट कर दिया, हीट किया तो यहाँ से एनर्जी इमिट होगी रेडिएशन के थ्रू। तो यहाँ से रेडिएशन हो गया, तो उसमें जब रेडिएशन होगा तो उसमें ना तो वेवलेंथ चेंज होगी और ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ड्यूरिंग रेडिएशन, जब रेडिएशन होगा। ये थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी मैक्सवेल ने। सेकेंड पॉइंट है, जो रेडिएशन होंगी वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होंगी, मतलब उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की नेचर होगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के बारे में बात कर ली मैंने। अब इसके बाद में ये जो पॉइंट दिए इसने,
मैक्सवेल ने, ये फेल हो गई थ्योरी, क्योंकि जब हमने ये देखा कि कोई भी रोड को हीट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें क्या हो रहा है, उसने बोला था कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। लेकिन जब मैक्सवेल का प्रयोग एक्सपेरिमेंट का दोबारा से एनालिसिस किया गया, तो जब अपन देखते हैं रोड को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका कलर चेंज होता जाता है। पहले वाइट रहता है, फिर ब्लू आ जाता है, फिर अलग अलग कलर चेंज होता है, उसके बाद फिर रेड हो जाता है। तो इसका मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, लेकिन मैक्सवेल ने क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल हो जाती है। तो फेलियर क्यों हुई, इसके दो रीजन है। सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से देखिए, कोई भी जो बॉडी है जब उसको हीटिंग हीट करते हैं ब्लैक बॉडी को, तो वहां पे उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो इंक्रीज मतलब एनर्जी रेडिएशन बढ़ना चाहिए, मतलब उसको हीट करेंगे तो रेडिएशन बढ़ेगा, और लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए और वेवलेंथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये बोला था मैक्सवेल ने। लेकिन जब अपन रोड आयरन रोड को हीट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले वो वाइट रहती है, फिर उसके बाद ब्लू जाती है, फिर हाई टेम्परेचर जाती है तो रेड हो जाती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन वो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये थ्योरी तो गलत है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो यहाँ पे आके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है उसमें क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जैसे आयरन रोड को हीट किया, सबसे पहले ये वाइट थी, फिर इसको और हीट किया तो फिर ये ब्लू हो गई, फिर रेड हो गई। तो इसका मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी है वो गलत है। तो जो आइडियल बॉडी होगी वो इमिट कर सकती है रेडिएशन को और एब्जॉर्ब भी कर सकती है, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है उसकी, तो उसको बोलते हैं अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन हुआ है। तो इसके बाद इसमें जो वेरिएशन होगा इंटेंसिटी का, वेवलेंथ और टेम्परेचर के साथ, वो उसका ग्राफ देखते हैं। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ दिया। जब अपन टेम्परेचर कम रखते हैं तो ऐसे जैसे वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, या फिर ऐसे बोले इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है। उसके बाद एक पीक पॉइंट आता है, उसके बाद वेवलेंथ इंक्रीज होती है और इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटेंसिटी ऑफ वेव इंक्रीज होगी ड्यू टू वाइब्रेशंस। उसके बाद क्या होगा, एक पीक पॉइंट आएगा, उसके बाद वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी लेकिन इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर फर्दर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा, एक पीक पॉइंट आएगा, उसके बाद डिक्रीज होगी। तो ये वेरिएशन क्या बताता है, इस ग्राफ से क्या पता लगता है इसमें, कि जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ डोमिनेट करती है। तो रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर अपन वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, लेकिन अगर वेवलेंथ को डिक्रीज कर दें तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का मतलब है इंटेंसिटी इंक्रीज होगी एक पीक पॉइंट के बाद, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वेवलेंथ इंक्रीज होगी, उसके बाद वेवलेंथ इंक्रीज, ऐसा ग्राफ था। तो यहाँ पे था इंटेंसिटी, यहाँ पे वेवलेंथ। पहले तो क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ डिक्रीज हो गई यहाँ पे, उसके बाद वेवलेंथ डोमिनेंट होगी और वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ये था कंक्लूजन फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब रेडिएशंस होती है तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। इसको मैक्सवेल समझा नहीं पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो ये मेटल सरफेस है, इस पे जब अपन लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, इसको बोलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड करता है एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब इंटेंसिटी क्या है रेडिएशन की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल हो जाती है। ऐसा एक्सपेरिमेंटल व्यू है, जब अपन यहाँ पे मेटल प्लेट लगाते हैं, मेटल सरफेस,
वहां पे लाइट सोर्स अप्लाई किया तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन हुआ, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये डिटेक्टर है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है। यहाँ से मैंने वैक्यूम क्रिएट करके और लाइट सप्लाई की, तो लाइट सप्लाई की तो लाइट सप्लाई नहीं की, लाइट मेरे को मिल गई क्योंकि हमने लाइट दी उसको, तो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्शन होगा उसकी वजह से कितना करंट में आएगा वो मेजर किया या एमीटर में। तो मेटल प्लेट हो गई, मेटल प्लेट के ऊपर लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसको क्या बोल देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ऑब्जर्वेशन क्या गया, इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं मेटल सरफेस से वो बहुत जल्दी इजेक्ट हो जाते हैं जब लाइट स्ट्राइक करती है सरफेस को, मतलब कोई भी टाइम नहीं चाहिए उनको इजेक्शन होने के लिए। सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मानो एन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा इंटेंसिटी आई या ब्राइटनेस ऑफ लाइट। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, कोई भी मेटल होगी उसका करेक्टरिस्टिक होता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसको अपन थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेजर मतलब ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाए तो वहां पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट होता है कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी तब इंक्रीज होगी जब आप इनकी इसकी फ्रीक्वेंसी और लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ये थे ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस क्या है कि जब ये सारी चीजें अपन देखते हैं तो मैक्सवेल की थ्योरी इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इन थ्योरी को समझाने के लिए दूसरे वैज्ञानिक हुए थे मैक्स वॉन प्लांक, जिसने अपनी क्वांटम थ्योरी दी थी। तो इस थ्योरी को जो इसके जो फेलियर थे, मैक्सवेल के जो फेलियर थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन दोनों फेलियर को कौन समझा पाया, प्लांक, जिसको बोलते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं अपन। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, प्लांक्स ने क्या बोला कि जो कोई भी एनर्जी इमिट होगी, मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, कोई भी जो एनर्जी इमिट होगी और या फिर एब्जोर्व होगी वो कंटिन्यू नहीं होगी, वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होगी, मतलब बंडल्स या पैकेट्स के फॉर्म में होती है एनर्जी के। कोई भी पैकेट होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसकी, उसको बोलते हैं अपन क्वांटम। अगर लाइट की बात करें तो उसको बोल देंगे फोटोन, जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है उसको क्या बोल देते हैं फोटोन। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक फोटोन ही सप्लाई होगा एक इलेक्ट्रॉन को या फिर अदर पार्टिकल को। वन क्वांटम कैन नॉट बी डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। फोर्थ जो पॉइंट है इसका, जो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम होगी, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम होगी वो प्रोपोर्शनल, ई मान लेता हूँ वो प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिख देता हूँ मैं, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यहाँ से कॉन्स्टेंट हटाऊंगा तो क्या, यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट एच और न्यू, तो ये आ गया ई बराबर एच न्यू। तो न्यू क्या होता है, न्यू जो होती है वन अपॉन लैम्डा होती है, फ्रीक्वेंसी होती है सी बाई लैम्डा। ये रिलेशन हमने देखा था, सी बराबर देखा था न्यू इंटू लैम्डा। हमने देखा था कि जो लाइट फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है इसके बीच में रिलेशन देखा था। तो यहाँ से अपने को न्यू की वैल्यू रखनी है तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बाई लैम्डा। ये पुट की तो मेरा आंसर क्या आ गया, ई बराबर एस सी बाई लैम्डा। ई क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, एच क्या है प्लांक्स कॉन्स्टेंट बोलते हैं जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहिए अपन टोटल फोटॉन्स की, मतलब ये एक फोटोन के लिए आई तो एन के लिए क्या हो जाएगी, एन एस सी बाई लैम्डा। इसको बोलते हैं क्वांटिटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब
सब सारे जो फोटॉन्स मिला के पैकेट्स मिला के जो हो गए एन हो गए, तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बोलते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो अब जो प्लैंक्स था उसने एक्सप्लेन किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। इसकी थ्योरी से ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे होगा, जब भी अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी इमिट होगी, वो इंक्रीज होगी क्योंकि वाइब्रेशंस इंक्रीज हो गए, उसके कारण क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी रेडिएशंस की। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी न्यू बोलो तो क्या हो जाएगी, न्यू क्या देखा था हमने, सी बाई लेमडा। फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होगी तो लेमडा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये कैसे हुआ, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एनर्जी ज्यादा रेडिएशन होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी ड्यू टू वाइब्रेशंस, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू न्यू हमने देखा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई तो वेवलेंथ इस रिलेशन से डिक्रीज हो गई। तो इस कारण ब्लैक बॉडी रेडिएशन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया प्लैंक्स। अब फोटो इलेक्ट्रिक मैक्सवेल की वेव थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसके कुछ फेलियर्स थे। पहला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसको अच्छे से एक्सप्लेन किया किसने, प्लैंक्स ने। सेकेंड था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी अपन यहाँ पे मेटल की सरफेस पे लाइट डालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, लेकिन जब प्लैंक्स ने किया तो क्या होता है कि यहाँ पे फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो जब तक इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन जो रिक्वायर्ड लाइट है उसकी इंसिडेंट एनर्जी अपन इतनी ना दे दें दे कि अट्रैक्शन ऑफ फोटोन और इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ दे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन है मतलब उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ दे, इतना फोर्स अपने को, इतना एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं अपन मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। उस पे मिनिमम रिक्वायर्ड पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसको बोलते हैं थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसको फाइव से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू क्या जाएगा, एच न्यू नोट, मतलब ये थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी में कितनी अपनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हो जाएगी कार्य फलन। हिंदी में बोलते हैं कार्य फलन वर्क फंक्शन। ये हो गया वर्क फंक्शन। सेकेंड पॉइंट है कोई भी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट होगी वो मोर देन होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जो काइनेटिक है, जो एनर्जी ऑफ वन क्वांटम होगी वो इस प्रकार लिखी जाती है, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम हो जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यू नोट क्या है, यहाँ पे न्यू नोट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, जिसपे अपने को इंसिडेंट लाइट दी है, जिस पे हमने इंसिडेंट लाइट दी है उस पे एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको इमिट होने के लिए फोटोन को। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बेटर एक्सप्लेनेशन था। जब अपन न्यू की वैल्यू न्यू नोट से अधिक करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज हो रही तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, मतलब ई क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है, मतलब जितनी ज्यादा न्यू बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी मतलब नंबर ऑफ रेडिएशंस बढ़ेंगे तो उसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्शन भी ज्यादा होगा। जब न्यू इक्वल ग्रेटर देन न्यू नॉट होता है उसका मतलब फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो ईच फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। क्यों होगी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वाइब्रेशंस ज्यादा होंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन ग्राफ देख लेते हैं, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, हमने रिलेशन देखा था एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर को लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी थी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ गई एच न्यू माइनस एच न्यू नोट,
काइनेटिक एनर्जी आ गई एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू, एच यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। तो ये किस प्रकार की इक्वेशन आ गई, वाई बराबर आ गया, ये हो गया एक्स एम एक्स माइनस सी, न्यू नोट कॉन्स्टेंट है, थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो एम एक्स माइनस सी, तो सी कॉन्स्टेंट है, तो इसका ग्राफ इस प्रकार आ जाएगा। तो जो नेगेटिव टर्म है वो क्या है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन फाई या डब्ल्यू नोट, ये क्या है वर्क फंक्शन है इतना, ये क्या हो गया एच न्यू नोट। इसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ नोट आ गई, ये थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको एफ नोट भी लिख सकते हैं, न्यू नोट भी लिख सकते हैं। स्लोप क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी, एम एक्स था ना, तो स्लोप क्या होगी, एच होगी। कैसे हुई एच, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या था, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि न्यू नोट कॉन्स्टेंट है, थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है। तो क्या वाई बराबर क्या था, एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स माइनस सी, तो सी क्या हो गया एच न्यू नोट, एम क्या हो गया स्लोप, स्लोप क्या होगी एच, यहाँ स्लोप ये आ जाती है। जब इंक्रीज करेंगे अपन फ्रीक्वेंसी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, इस इक्वेशन से देख लिया हमने। तो ग्राफ से पता लग रहा है अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। एनर्जी को अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10^119 जूल, तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रिलेशन होता है, इसको हमेशा याद रखें। कॉन्क्लूजन क्या हो गया, लाइट जो है उसके पास वेव नेचर होती है और पार्टिकल नेचर, मतलब ड्यूअल नेचर होती है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो और जो अपना प्लैंक्स था, प्लैंक्स की जो थ्योरी थी उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया, मतलब तो जो लाइट है उसकी ड्यूअल नेचर है, मतलब उसकी वेव नेचर भी है पार्टिकल नेचर भी है। तो प्लैंक्स ने अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के फेलियर्स को रीड किया और उसको नई थ्योरी अपनी देके उसको एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को। तो थैंक यू सो मच।